नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी फास्ट न्यूज के साथ हाजिर हुए शिल्पा। करते हैं खबरों की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने शिमला में किया रोड शो। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी की गाड़ी पर बरसाए फूल। रिज मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिमला के रिज मैदान में पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। पीएम बोले, आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है। उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। शिमला के रिज मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, अभी देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया। आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रानीबाग में सड़क सौंदर्यीकरण कार्य का किया निरीक्षण। कहा, हमारा मकसद है दिल्ली की सभी सड़कों को खूबसूरत बनाया जाए। पहले स्टेज में हम पीडब्ल्यूडी की 500 किलोमीटर सड़कों को बनाएंगे खूबसूरत। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, ये बिल्कुल फर्जी केस है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मामले का अध्ययन किया, ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है। हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते, हमारी सरकार बहुत ईमानदार है। उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े एक मामले में किया गया गिरफ्तार। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 5 महीने पहले ही कर दी थी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से दाखिल किया अपना नामांकन। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आर अशोक रहे मौजूद। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला का हुआ अंतिम संस्कार। पैतृक गांव मानसा जिले के मूसा में लोगों ने दी अंतिम विदाई। 29 मई को 29वें बर्थडे से 12 दिन पहले सिद्धू मूसेवाला का कर दिया गया मर्डर। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम से हुआ बड़ा खुलासा। सोमवार रात 5 डॉक्टरों के पैनल ने मूसेवाला का किया पोस्टमार्टम। हालांकि रिपोर्ट को अब तक पुलिस के साथ शेयर नहीं किया गया। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक अत्यधिक बंदूकों से निकली 24 गोलियां मूसेवाला के शरीर के आर पार हो गई थी, जबकि एक गोली सिर की हड्डी में जा फंसी थी। हमलावरों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला पर 29 मई को दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। इस फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला की बर्बर हत्या से उनके फैंस को गहरा सदमा लगा। सिद्धू की मां का अपने बेटे को खोने के बाद से है बुरा हाल। कुलगाम में कश्मीरी पंडित महिला टीचर की हत्या। आतंकियों ने स्कूल के अंदर घुसकर मारी गोली। जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों में मुठभेड़। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। इसके साथ ही आतंकियों से हथियार भी बरामद। सरकारी कर्मचारी की हत्या में शामिल था आतंकी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर विक्रांत ओनियल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर गाया राष्ट्रगान। उन्होंने 21 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। नेपाल विमान हादसे में आखिरी शव के साथ ब्लैक बॉक्स भी बरामद। सभी 22 लोगों ने गवाई जान। मृतकों में 4 भारतीय भी शामिल।
हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी है जांच एजेंसियां। चंपावत में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत इन चार प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 3 जून को आएंगे वोटिंग के नतीजे। सीएम बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी की जीत यहां चंपावत से बेहद जरूरी। शिमला में प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम का प्रसारण देखने पहुंची स्थानीय विधायक सरिता आर्य। संवाद प्रसारण दिखाने के लिए नैनीताल के बैंड स्टैंड पर लगाई गई थी बड़ी सी स्क्रीन। गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से पीएम कर रहे थे संवाद। महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने, जहां एक मां ने अपने 6 नाबालिग बच्चों को कुएं में फेंक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू विवाद के चलते उठाया ये खौफनाक कदम। गरीब कल्याण सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की सीएम योगी ने बात। गरीब कल्याण सम्मेलन में बोले सीएम योगी, प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि हर घर हम पाइप कनेक्शन पहुंचाएंगे। जो जल आपके घर आएगा उसके सामने आरओ का पानी भी फैल हो जाएगा, इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। फतेहपुर में ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 2 शातिर अभियुक्त किए गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। पीलीभीत में एसएसपी के आदेशों की थाना प्रभारी उड़ा रहे जमकर धज्जियां। स्थानांतरण हुए पुलिसकर्मियों को नहीं किया जा रहा रवाना। थाना क्षेत्र में जमकर कराए जा रहे अवैध गोरख धंधे। सहारनपुर में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत क्राइम ग्राफ को 0 तक पहुंचाने की कोशिश, और इसके तहत पुलिस मुठभेड़ में 6 शातिर वाहन चोर किए गए गिरफ्तार। उनके कब्जे से चोरी की गई गाड़ियां और अवैध असलहा भी हुआ बरामद। पीलीभीत में चलाए गए ऑपरेशन के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जंगल में पकड़ी अवैध असलहे की फैक्ट्री। अधबने तमंचों के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ढक्का चांट का जंगल का मामला। मैनपुरी में पुलिस पर डग्गेमार। वाहनों को रोकने के नाम पर वाहनों को परेशान करने का आरोप। दुकानदारों की वैन गाड़ियों को पकड़कर थाने में किया गया बंद। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बेवजह परेशान करने पर दुकानदारों में रोष। अमृतपुर में दबंगों का आतंक। खेत में मक्का की फसल काटने जा रहे लोगों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कौशाम्बी में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में लाठी डंडे देख लेकर मारपीट करते दिखाई दिए लोग। विवाद का कारण जानने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। शाहजहांपुर में महिला सहित 2 लोगों को मारी गई गोली। बच्चों से हुए विवाद के चलते मारी गई गोली। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारी गोली। ग्रामीणों ने शिकारियों की गाड़ी का वीडियो किया वायरल। पुलिस में की गई शिकायत दर्ज। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के फहीमपुर गांव का मामला। थाने के अंदर दबंगों ने दिखाई दबंगई। योगीराज में थाने के अंदर सुरक्षित नहीं महिलाएं। थाने के परिसर में महिलाओं की चप्पल से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। थाने के अंदर मौजूद रही पुलिस और चप्पलों से पिटती रही महिलाएं। गरियाबंद के नाले में मिली युवक युवती की लाश। क्षेत्र में फैली सनसनी। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के सरगी नाले का बताया जा रहा है मामला।
बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस को दी खुली चुनौती। घर में घुसे चोरों ने लाखों के माल पर किया हाथ साफ। कमरे में रखे बक्से से 2.5 लाख नकदी, सोने चांदी के जेवरात भी ले उड़े चोर। धुरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकलवाने वाले को दबोचा गया। आरोपी के पास से 60 एटीएम कार्ड भी किए बरामद। पुलिस पूछताछ में कई और राज खोलने में जुटी हुई है। मिर्जापुर में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात पुलिस अधिकारी के बेटे ने निकाली यूपीएससी की परीक्षा। महज 22 साल 6 महीने की उम्र में पहले प्रयास में ही निकाला यूपीएससी का एग्जाम, 200वीं रैंक की हासिल। उत्तर प्रदेश के बरेली के फतेहगंज थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, एम्बुलेंस डिवाइडर को पार करते समय सामने से आ रहे ट्रक से टकराई। सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में 16 साल के किशोर को अज्ञात वाहन ने रौंदा, सड़क पार करते समय हुआ हादसा, खून से लथपथ किशोर को पहुंचाया गया सीएचसी गौना। अस्पताल में डॉक्टर्स ने युवक को मृत किया घोषित। चंदौली में सीआरपीएफ जवान का शव पहुंचा उनके पैतृक गांव। परिवार वालों सहित पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर कर ली थी आत्महत्या। जवान की मां ने मामले की जांच कराने की लगाई गुहार। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। प्रथम दृष्टया लग रहा है आत्महत्या का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर कब्जे में लिया। शहर कोतवाली के मवई बुजुर्ग गांव का मामला। एटा में टेम्पो चालकों ने टेम्पो स्टैंड और पार्किंग की मांग को लेकर की हड़ताल। चालकों को टेम्पो खड़ा करने में हो रही है दिक्कत। सीएम योगी ने वाहनों को स्टैंड और पार्किंग स्टैंड में ही खड़े करने के दिए हैं आदेश। सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती लिखने वाली विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। नहटोर के ग्राम ननहेड़ा का मामला। महोबा पुलिस टीम पर गैंगस्टर के वांछित अभियुक्त ने किया हमला, एक पुलिसकर्मी घायल। घर दबिश देने गई थी टीम, करीब 2 घंटे के बड़े पुलिस ऑपरेशन के बाद गिरफ्त में आया वांछित अपराधी है लालू। कानपुर देहात ने वहां दुल्हन ने शादी करने से कर दिया इनकार। वर पक्ष के लोग अपने साथ लेकर नहीं गए थे दरअसल फोटोग्राफर, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बारात को बना लिया गया बंधक। मामला थाना पहुंचा, दोनों पक्षों के बीच तब जाकर हुआ समझौता। मेरठ में दुल्हा दुल्हन का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। एक वीडियो में गाड़ी में बैठा दुल्हा फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। मामले में FIR हुई दर्ज। सहारनपुर में बंदरों का आतंक, पार्क में खेल रहे 2 बच्चों को बंदरों के झुंड ने किया घायल। बाकी बच्चों ने भागकर बचाई अपनी जान। आनंद फानंद में परिजन बच्चों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उन दोनों बच्चों को दिया गया प्राथमिक उपचार। लखनऊ में पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। पीड़ित परिवार ने बताया नहीं की जा रही पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई। पुलिस ने जबरन करवाया अंतिम संस्कार। थाना मड़ियाव केशव नगर चौके क्षेत्र का मामला। शाहनाबाद कस्बे से पढ़कर वापस आ रही छात्रा की दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या, पूरे इलाके में मची सनसनी। आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस हत्या की वजह खोजने में जुटी।
चंदौली में दो बाइकों की आपस में हुई भिड़ंत, सड़क दुर्घटना में चार लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। एक की हालत नाजुक होने पर ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। चकिया कोतवाली क्षेत्र के ब्यासड़ गांव के पास हुई दुर्घटना। एटा में पुलिस की प्रभावी पैर भी बनी मिसाल। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास। न्यायालय ने लगाया 1,05,000 रुपए का जुर्माना। एटा में दिनदहाड़े लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार लुटेरों ने महिला की सोने की चेन कुंडल भी छीने। कासगंज के तवालपुर की रहने वाली है महिला। बागपत में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। सड़क हादसे में हुई दो लोगों की मौत, तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पेड़ से टक्कर के बाद कार के उड़े खच्चे। बड़ौली गांव के पास हुआ हादसा। झांसी में महिला से मंगलसूत्र छीनकर भाग रहा लुटेरा हुआ गिरफ्तार। शादी के बाद पूजा अर्चना करने पहुंची थी महिला। महिला के शोर मचाने पर राहगीर और पुलिस ने पकड़ा, जमकर पीटा। हरदोई में एसपी ऑफिस के सामने पति पत्नी में जमकर हुई मारपीट। पति पत्नी ने एक दूसरे को मारा पीटा। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों को किया अलग। पिटाई का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिश्नौर में दिन दहाड़े प्रधान के भतीजे की पीट पीट कर हत्या। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना चांदपुर के नवादा इलाके का मामला। चंदौली में टेम्पो और बाइक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। टेम्पो सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय कोतवाली पुलिस। सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। बलौदाबाजार के सदर रोड से गायब हुए बच्चे की लाश हुई बरामद। तालाब में नहाने गए लोगों ने लाश को देखा था तैरते। परिवार के सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाने में अपहरण की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। बाराबंकी में सड़क हादसे का शिकार हुई कार से पुलिस ने बरामद की 26 पेटी अवैध शराब। दिल्ली से बिहार जा रही थी कार, खड़े ट्रक से टकराई। पुलिस कार सवार लोगों से कर रही पूछताछ। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुआ हादसा। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सालों से वांछित चल रहा 20,000 का इनामी बदमाश किया गया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर सआदतगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बालागंज से किया गिरफ्तार। कल्याणपुर थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की बड़ी कार्रवाई। गौसपुर मोड़ से पकड़ी गांजे की खेप। 10 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ शातिर गिरफ्तार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बागपत में काली पट्टी बांधकर शोक सभा में शरीक हुए लोग। पुलिस के खिलाफ लोगों में दिखाई दिया गुस्सा। 5 दिन पहले पुलिस उत्पीड़न के कारण मां दो बेटियों ने जहर खाकर दी थी जान। कड़ी कार्रवाई के पक्ष में एकजुट हुए ग्रामीण। कोरबा और रायगढ़ जिले के आधा दर्जन गांव हाथियों के उत्पात से परेशान। शाम होते ही 16 हाथियों का झुंड खाने की तलाश में गांव में पहुंच जाता है। फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही जमकर उत्पात मचाता है।
चंपावत जिले के बारकोट क्षेत्र में पालतू कुत्ते और तेंदुए के बीच हुई भिड़ंत। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद, सोशल मीडिया में घटना का वीडियो हो रहा वायरल। शाहजहांपुर में ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस का एक्शन जारी। 3 शस्त्र फैक्ट्रियों का पुलिस ने किया भंडाफोड़। बड़ी संख्या में तमंचे किए बरामद। मौके से कई कारतूस बरामद। तमंचा बनाने के उपकरण भी जब्त। मुजफ्फरपुर की बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने कंप्यूटर साइंस से किया है एमटेक। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर की। बाराबंकी में विद्युत विभाग के 2 संविदा मीटर रीडरों ने की उपभोक्ता से वसूली। बिजली चोरी के आरोप में जेल भेजने की धमकी देकर की 80,000 की वसूली। पीड़ित उपभोक्ता ने मीडिया को बताया अपना दर्द। वीडियो देकर जेई और संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की कीमा। बाराबंकी के थाना मसौली में गोंडा बहराइच हाईवे के पास हुआ हादसा। शादी समारोह से टेंट लादकर लौट रहे 3 मजदूर ट्रॉली से गिरने से हुए घायल। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने ब्रेकर आने की वजह से हुआ यह हादसा। बागपत में पत्नी और बेटियों की मौत के सदमे में पीड़ित की बिगड़ी तबीयत। ग्रामीणों ने पीड़ित को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी दारोगा की अभद्रता से परेशान होकर पीड़ित की पत्नी और 2 बेटियों ने खाया था जहर। कर्णप्रयाग में पंचपुलिया के पास एक युवक बाइक से नीचे खाई में गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। युवक का रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। घायल युवक का चल रहा इलाज। अमेरिका का बढ़ा रूस को लेकर डर। यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम ना देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बयान। कहा, हम ऐसा कोई रॉकेट सिस्टम नहीं भेजेंगे जो रूस में कर सके हमला। ताइवानी विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने। कहा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 30 लड़ाकू विमानों ने दक्षिण पश्चिमी एयर डिफेंस जोन में किया प्रवेश। ताइवान ने चेतावनी देने के लिए भेजा अपना एयर डिफेंस। रूस यूक्रेन वॉर के 96 दिन बीत जाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने लगाई रोक। ऑयल इंपोर्ट में 2/3 की कटौती करने पर राजी हो गया यूरोपियन यूनियन। रूस ने नीदरलैंड की गैस सप्लाई रोकने का किया फैसला। भारतीय उपमहाद्वीप में परसने जा रहा है अलकायदा। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि अलकायदा के अधिकतर आतंकी बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान देशों में शामिल है। भारत सरकार हुई सचेत। इस हफ्ते में 100 दिन का हो जाएगा रूस और यूक्रेन वॉर। रूस अपने सैन्य अभियानों पर हर दिन लगभग 90 करोड़ डॉलर कर रहा है खर्च। 40 देशों की संयुक्त जीडीपी से ज्यादा खर्च कर चुका है रूस। स्माइल की वजह से चर्चा में आई छोटी सी बच्ची। वजह है ब्राइलेट्रल मैक्रोस्टोमोइया नाम की रेयर बीमारी, जिसकी वजह से चेहरे में रहती है एक परमानेंट स्माइल। सोशल मीडिया में वायरल हो रही है ये छोटी बच्ची। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो रहे कप्तान हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने कप्तानी के साथ ही बैट और बॉल से भी बिखेरी अपनी चमक। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने की तारीफ। कहा, हार्दिक को भारत के कप्तान बनाने में करेंगे सपोर्ट। सड़कों पर खुली बस में उतरी गुजरात टाइटंस की पलटन। फैंस ने सड़कों पर उतरकर टीम को दी जमकर बधाइयां। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने भी नए चैंपियन टीम को किया सम्मान। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में पानी की तरह बहाया गया पैसा। कॉस्ट्यूम्स और सेट्स बनाने में 50 करोड़ से भी ज्यादा किए गए खर्च।
पहले दिन की ओपनिंग को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में है काफी उत्सुकता। फिल्म भूल भुलैया 2 की चमक बॉक्स ऑफिस पर अभी भी है बरकरार। ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है भूल भुलैया 2। फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर गाने सभी दर्शकों को कर रहे हैं खूब एंटरटेन। एक्टर आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर हुआ वायरल। बड़ी संख्या में ट्विटर यूजर्स ने आमिर खान को किया ट्रोल। यूजर्स ने कहा, आमिर सभी फिल्मों में एक जैसी ही करते हैं एक्टिंग, पीके और धूम 3 फिल्मों से किया कंपेयर। चलिए इसी के साथ फास्ट न्यूज में फिलहाल बस इतना ही, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।